छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आजादी के पूर्व से चलने वाली प्रतिष्ठित राजा सर्वेश्वर दास हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। टूर्नामेंट के फाइनल में मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने शिरकत की, जहां हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच एयरफोर्स दिल्ली और पेट्रोलियम बोर्ड दिल्ली के बीच में खेला गया, जिसमें फाइनल एयरफोर्स दिल्ली ने पेट्रोलियम बोर्ड दिल्ली को हराया। वहीं इस कार्यक्रम में खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने मुझे यहां आने से पहले बताया था कि राजनांदगांव में गणेश झांकी और राजनांदगांव की हॉकी पूरे देश में प्रसिद्ध है और यहां आने से ये बात सत्य निकली। राजनांदगांव से संवाददाता नीमेश अग्रवाल की रिपोर्ट। माननीय अभिषेक सिंह ने आते आते कहा था कि हमारे राजनांदगांव जो है हॉकी और झांकी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, और आने के बाद देखा कि वाकई में बहुत ज्यादा करिश्मा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में ये हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ और बहुत अच्छा सजाए थे, संवारे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में आने के बाद, कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनकी हालत खस्ता हो गई और उन्होंने न रख रखाव किया न कुछ किया, है ना। अब फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, फिर से नया सौंदर्यीकरण होगा और हमारे खिलाड़ियों में नया उत्साह और जोश आएगा। सर, मैदान में का एस्ट्रोटर्फ की बात होती, बदलने का समय आ गया है। जी जी, इस पर क्या करेंगे? बदला जाएगा। फ्लड लाइट लगेगा। फ्लड लाइट में मैच होगा, फ्लड लाइट लगेगा और ये अपना ये भी बदलेगा। आपके सरकार आती हो जाएगी? हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, भाजपा जो कहती है वो करती है।